दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल के बारे में देखिए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? दी आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ये आर्टिकल के टाइप होते हैं। आज हम दी आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। दी आर्टिकल क्या होता है? तो इसका रूल नंबर वन क्या होता है, देखिए, सुपरलेटिव डिग्री, ई एच टी, मोस्ट, पहचानने का इसका नियम है। मतलब वाक्य में, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, देखिए इजी एग्जाम्पल, जनरल एक लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, देखिए हम एग्जाम्पल लेंगे, ही इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिया, ही इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका क्या मतलब हुआ? पूरे क्लास के अंदर एक लड़के को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, बॉय को, एक लड़के को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो एक लड़के के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? ए आर्टिकल का यूज करते हैं कि नहीं? पर यहाँ पे हम ए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यहाँ पे ई एस टी लगा है, देखिए इस पहचानने का नियम क्या है इसका, ई एस टी, ठीक है, EST लगा हुआ है। तो हमेशा इसके पहले देखिए दी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। देखिए आप प्रयोग करेंगे हम EST के, यानी टोलेस्ट बॉय, ये एडवर्ब हो गया आपका, ये आपका एडवर्ब हो गया और ये आपका नाउन हो गया, नाउन के पहले एडवर्ब आया। तो ऐसे हम हमेशा याद रखिएगा, किसी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर अगर हो पूरे क्लास के अंतर्गत टोलेस्ट बॉय को सर्वश्रेष्ठ बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है, तो यहाँ पे टोलेस्ट EST लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ये टोलेस्ट बॉय इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, द आर्टिकल लगेगा। ये आपको समझ में आ गया? देखिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल टू, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हिज फैमिली। देखिए यहाँ पे मैंने EST बता दिया, अब देखिए मोस्ट, देखिए ये देखिए मोस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सबसे बुद्धिमान लड़की अपने फैमिली की, वह अपने फैमिली की सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो इसका क्या होगा, अपने फैमिली की, यानी अपने फैमिली में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सुपरलेटिव डिग्री आ गया यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे हम मोस्ट है, यहाँ देखिए मोस्ट, मोस्ट है, तो मोस्ट के पहले हमेशा द आर्टिकल लगेगा। एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो आप एक लड़की को देख के आप ए आर्टिकल लगा देंगे, पर नहीं, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, पूरे फैमिली में एक लड़की है, तो यहाँ पे हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होगा। आई बात समझ में? वो रूल नंबर वन समझ में आ गया, सुपरलेटिव डिग्री का रूल समझ में आ गया। अब देखिए हम रूल नंबर टू को देखेंगे, जरा देखिए, ऑफ द टू का रूल, कंपेरेटिव डिग्री, अगर किसी चीज में हम कंपेयर करेंगे, किसी दो व्यक्ति के बीच कंपेयर होता है ऑफ द टू। जैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। एग्जाम्पल कैसे होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए यहां पे देखिए, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, दो सिस्टर के बीच में सबसे ब्यूटीफुल वह लड़की है, वह लड़की अपने दो बहनों में सबसे सुंदर है, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू, देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया यहाँ पे, किस में कंपेयर हो रहा है, दो सिस्टर में कंपेयर हो रहा है, ऑफ द टू, कंपेरेटिव डिग्री का यहाँ पे बोध है, उपयोग कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे मोस्ट के पहले हमेशा हम दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखिए दी आर्टिकल आ गया, यहाँ पे भी एक की बात हो रही है, तो एक में हमेशा हम ए लगा देते हैं, ठीक है, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ऐसे लगा देते हैं, पर नहीं,
यहाँ पर पूरे दो दो बहनों में सबसे सुंदर यह लड़की है। यहाँ पे मोस्ट देखेंगे हम, मोस्ट देखेंगे हम, मोस्ट देखेंगे तो उसके पहले हम दी आर्टिकल लगा देंगे आँख बंद करके। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको क्या है इसका मैटर। अब देखिए, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल नंबर टू लूंगा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू। देखिए यहां भी ऑफ द टू आया, ऑफ द टू जब रहेगा मोस्ट ब्यूटीफुल कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू, ऑफ द टू दो सिस्टर के बीच में कंपेरेटिव डिग्री मतलब तुलना हो रहा है। तो देखिए ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में सबसे लंबा यह लड़का। मान लीजिए आप आपके भाई से लंबे होंगे, आपके दो भाई होंगे, आप लेके तीन भाई होंगे, आप अपने भाई से लंबे होंगे, तो क्या हो जाएगा? आप उन दोनों से, दोनों में कंपेयर हो रहा है ना, आप तीनों में कंपेयर होगा ना, तब ना आप जाके बड़े लंबे होंगे। तो देखिए यहाँ पे टॉलर कंपेयर हो रहा है, उसके पहले हमेशा आर्टिकल बी का प्रयोग होगा।